बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। चैप्टर नंबर 17 आपके पास गिवन है, काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, प्रीवियस जितने भी चैप्टर है ना, पार्ट वन के हो गए या पार्ट टू के हो गए, उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बिकॉज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि मैम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जो वो जॉब कर रहे हैं, तो जिन्होंने की भी हुई है तैयारी वो भी कह रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएं जिन पे हम ज्यादा फोकस करें। स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप पूरे जो चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। लेकिन अगर आप फिर भी आपके पास इतना टाइम नहीं है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप पूरे चैप्टर नहीं तैयार कर सकते, तो कम अज कम जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ ये आप हर चैप्टर में से तैयार करें। और आप पैटर्न भी मस्त देख लें, पैटर्न भी मैंने इम्पोर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस क्वेश्चन में चॉइस होती है, ठीक है। तो आप इजीली अपने पेपर की जो है वो तैयारी कर सकते हो। अब काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो स्टूडेंट्स, आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ कि आपके क्वेश्चन किस टॉपिक में से ज्यादा आ सकते हैं पेपर में से, तो वो आपने देखे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि जो भी आप चैप्टर कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल ये काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको उनकी डेफिनेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन का पता होना चाहिए। काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो नेम है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इन सम टाइम रेंज जो है वो आपको पूछ ली जाती है। वैसे भी ये जो रेंज जितने भी आपके पास है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनकी रेंज और साथ में इनके जो डायग्राम बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनती है। अब हम पढ़े काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले स्टूडेंट, जो मैं कहूंगी कि आपने ओल्ड 5 ईयर्स पेपर जो है ना, वो ओल्ड ईयर पेपर जो है 5 ईयर्स मस्ट आपने देखे। उसका आपको ये फायदा हो जाता है, एक तो आपको पैटर्न का अंदाजा हो जाता है कि आपके पास जो पैटर्न है वो किस तरीके से गिवन है। फिर उन चैप्टर्स में चॉइसेस भी हैं, आप पहले कोशिश करेंगे वो चैप्टर तैयार करें जो कि जरूरी है, चॉइस वाला रहने दें। जब आप फुल तैयारी कर रहे हो और आपके पास पता हो कि इतना टाइम है कि आप जो चॉइसेस वाले चैप्टर है वो भी तैयार कर सकते हो, देन आप चॉइसेस वाले चैप्टर तैयार करो। और वो तमाम चीजें आपको अंदाजा होगा जब आप ओडीएस पेपर देखोगे, मैंने इम्पोर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट में भी दिया हुआ, अगर आप वहां जाके देखोगे तो आपको इजीली अंदाजा हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले ओडीआर पेपर करनी है, ये बेशक आपने फुल तैयारी की हुई है या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बल्कि अक्सर तो वही क्वेश्चन उठा के नेक्स्ट पेपर में दे देते हैं, तो ये आपने याद रखना। थोड़ी इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, अच्छा ये आपके पास फिशर और वेल्सन अप्रोक्सीमेशन है, इसका एक ही फार्मूला होता है और बड़ा इजी मेथड है, मैंने आपको करवाया हुआ प्ले लिस्ट में, अगर आप जाके देखोगे तो ये आपने तैयार करना है काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें फिशर एंड वेल्सन अप्रोक्सीमेशन जो है वो आपने तैयार करनी है। इसमें एक एक फार्मूला है, फिशर का भी वेल्सन का भी, और उसका मेथड भी मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस अगर आपके पास आ जाते हैं फिशर और वेल्सन से रिलेटेड, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो एक तो आपने इनके फार्मूलाज देख लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं आपके पेपर में। फिर आपने देखना है कि जस्ट योर हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने ये मत देखें। अच्छा इसमें भी एक और चीज मैं आपको ज्यादा बताऊंगी कि गुडनेस ऑफ फिट के जो क्वेश्चन है ना, गुडनेस ऑफ फिट के जो क्वेश्चन है वो आपने मत देखे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आपको गुडनेस ऑफ फिट के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको करवाए भी हुए हैं, वो अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। आपकी वैसे तो बुक में ढेर सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इससे समझ में आ जाता है पर्जन काइल स्क्वायर टेस्ट लगाना पड़ जाता है। तो पर्जन काइल स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट इज द सेम थिंग जो कि आपको याद होनी चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्व वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ऑब्जर्व, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं। स्टूडेंट, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करने हैं काइल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपने तैयार करनी है गुडनेस, इसका प्रोसीजर्स भी मैंने आपको करवाया हुआ है, जनरल मेथड आपको साथ साथ प्ले लिस्ट में बताया हुआ है कि अगर आपको मेथड समझ में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद फिर आपने काइल स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिस समय आपको बताया कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना,
कैरी कर रही। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज काई स्क्वायर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर। और जो अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो जो मैंने करवाई ना प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर, अगर आप उसे 2 से 3 मरतबा देखते हो और खुद रिपीट करते हो तो वो आपको बैठे बैठे तैयार हो जानी है, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ आप रटन लगाना, आपने जो चीज कर रहे हो, जो क्वेश्चन समझ रहे हो, उसका मेथड, जनरल प्रोसीजर आपको आना चाहिए। अगर आपको प्रोसीजर समझ में आ गए तो वैल्यू आपको कोई भी दे दी जाती है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, फोर इसमें आप तैयार कर लो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सम टाइम्स आपके पास आ जाते हैं। जी स्टूडेंट आपके पास आ गए, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी जो है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकती है। अच्छा, ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो हाफ चैप्टर है ना, वो आपका डिपेंड कर रहा है एट्रीब्यूट्स पे। तो हमारे पास एट्रीब्यूट क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ये हमारे पास आ जाते हैं, कॉन्टिजेंसी टेबल आ जाते हैं, तो ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, जितना मैंने अभी आपको बताया कि जी आपने कॉन्टिजेंसी टेबल वाले तो अक्सर हिट करेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी आ जाते हैं, तो जितना मैंने आपको बताया कि आपने होमोजेनिटी वाले जो क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं, उससे रिलेटेड समटाइम क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ये एट्रीब्यूट्स वाले ही है। और अगर आप थोड़ी सी नजर, जो मैंने आपको लेक्चर करवाए ना, आप सिर्फ एक नजर ये देख लेना कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, या कंसिस्टेंसी क्या होती है, एसोसिएशन जो कि हमारे एट्रीब्यूट की कह रहे होते हैं, तो वो क्या चीज है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप ये लेक्चर, ये एक एहतियातन बता रही हूँ कि अगर आप देख लोगे तो आपका इसमें फायदा है, अगर नहीं देखोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो जो टॉपिक मैंने आपको बताया आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कर लो। जो मैंने लास्ट में बताया ना आपको काई स्क्वायर ऑफ होमोजेनिटी, उससे तो आपके पास जो क्वेश्चंस है ना वो है ही, 3 से 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, 2 उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं आपकी बुक में, तो आप वो इतना उसमें टाइम नहीं लगना लास्ट। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर है वो भी आपका 1 पेज का टोटल करने वाला है। बाकी जो गुडनेस ऑफ फिट के जो क्वेश्चंस हैं, या फिशर या वेल्सन अप्रोक्सीमेशन है, वो थोड़े से आपके पास हैं, फिशर और वेल्सन के भी मगर में 2 से 3 ही क्वेश्चन है। गुडनेस ऑफ फिट के क्वेश्चन जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड पेपर में आता भी है, और अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट कि आपके जो प्रीवियस पेपर है वो मस्ट आपने देखने हैं। उसका फायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, या हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इन तमाम मैथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनके जनरल मैथड प्ले लिस्ट में गिवन है, और प्ले लिस्ट में आपको कह रही हूँ कि आपने जी टेबल देखना है, कैसे टेबल देखते हैं, एफ टेबल देखना है, इनके मेथड देखने हैं, वो तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने सॉल्व किए हुए ओल्ड 5 ईयर्स पेपर भी डाले हुए, अगर आप जाके देखोगे तो इनशाला आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इससे फायदा उठा सकें। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, इनशाला मैं आपको नंबर दे दूंगी, और वहां से आपको नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।